मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 10,285 हितग्राहियों को 224.8 करोड़ रुपए का सीधे राशि का हस्तांतरण उनके बैंक खाते में आज मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। नए जोश का आरंभ है, नए युग का ये प्रारंभ है, हर सोच में नया रंग है। संबल हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि अंतरित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहन मुमताज बैठी है, मुमताज बहन आवाज आ रही मेरी जी? आ रही। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छे। क्या पतिदेव क्या काम करते थे? हमाली करते थे सर। अच्छा, हमाली करते थे, कैसे कैसे चले गए? कैंसर से। अच्छा, कैंसर हो गया था जी। प्रसंग कई बार जिंदगी में आते हैं, कई बार घर का मुखिया कैंसर जैसी बीमारी से जूझता हुआ अपने परिवार को छोड़ के, असमय छोड़ के, अधबीज में छोड़ के चला जाता है। लेकिन मुमताज बहन, संबल आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, शिवराज आपके साथ है, परिवार में और कौन कौन है? फिट बहन, सासू माँ है और नंद है और हम है और हमारा बेटा है। अच्छा अच्छा बेटा क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे और काम ढूंढ रहे हैं, नागपुर गए ऐसी। अच्छा। और कोई सरकार से कोई सुविधा आपको मिल रही है? सर पेंशन मिलती, राशन मिलता हूँ। राशन और पेंशन मिलती, राशन हर महीने ठीक से मिल जाता है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती राशन में? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें संबल योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं। अब ये पैसा आपके खाते में पहुंच गया है, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए की राशि आपको मिली है, इसका क्या उपयोग करेंगे? सर किराना दुकान डालेंगे और बकरी का धंधा है उसको बढ़ाएंगे और थोड़े बीमारी में किसी से लिए तो देन लेन करेंगे। आप देखिए, संबल, मेरी बहन मुमताज की संबल बन गई। पति के जाने के बाद आज वो किराने की दुकान संबल के कारण डाल सकती है। अगर संबल ना होती तो मुमताज जैसी मेरी बहनों को और कितनी परेशानी होती, आप ये अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन मैं सब बहनों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि गरीब अगर बीमार भी होगा तो चिंता ना करे, पहले हम राज्य बीमारी सहायता कोष और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से अभी भी इलाज कराते, और अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, आधा राज्य सरकार करती है, उसके माध्यम से भी इलाज कराएंगे। कोई गरीब बिना इलाज के शेष ना रहे, ये भरसक कोशिश हम करेंगे ताकि मुमताज जैसी बहन को कभी अपने पति के इलाज के लिए कर्जा ना लेना पड़े। मैं बैतूल जिले की भी सभी बहन भाई जिनको ये सहायता आज मिली है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार हमेशा आपके साथ है और डॉक्टर पांडकरे जी सेवा करते रहिए। अगले धन्यवाद भाई सर। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश के संबल के लाभार्थियों, हितग्राहियों, हमने तय किया है कि गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, मजदूर के बेटा बेटी भी ढंग का वातावरण मिल जाए, स्कूल में ठीक से पढ़ जाए, वो डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, SP, IG बन सकते हैं। कोई कमी नहीं है उनमें, अकल की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, केवल माहौल मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए तो गरीब का बेटा बेटी भी चमत्कार कर सकता है। और इसलिए संबल, ताकि गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, उनकी ढंग से पढ़ाई हो सके। मेरे मजदूर भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में 2018 में हमने एक प्रयोग और शुरू किया,
जितने श्रमिक हैं मजदूर किसी जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी के हो, वो एसटी के हो, हमने अलग 4 स्कूल बनाए श्रमोदय विद्यालय भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, और उसका उद्देश्य केवल यही जाति पाति के आधार पर नहीं, धर्म पंथ के आधार पर नहीं, केवल मजदूर है तो मजदूर के बेटे को पढ़ने की बेहतर सुविधा दी जाएगी, बोर्डिंग स्कूल शानदार। उमरा उमाकांत बैठे, ये चारों के चारों और भी खोलेंगे हम आगे जाके, उदाहरण बन जाए कि गरीब का बेटा वहां से पढ़ के निकले तो ऐसा निकले कि दुनिया देखती रह जाए। मुझे आज खुशी है कि संबल योजना का एक बार फिर से लाभ वितरित करने आया हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, घटना कई बार ऐसी हो जाती है कि हम अकेले रह जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका संबल, आपका शिवराज, आपकी सरकार चिंता ना करें, आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। लोग ऐसी हो गए। इसके बाद श्रीमती हंजाबाई,